हेलो एंड वेलकम टू एसल वेलकम टू अना वीडियो ऑन द चैनल बहुत टाइम बाद एक वीडियो बना रहा हूँ मैं चैनल पर यूजली आई डू लाइव बट काफ़ी टाइम से मैं चैनल पे एक्टिव नहीं था आई वॉज इन लंडन तो आज ही लाइव किया है एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो तो यार आई वॉज इज ब्राउजिंग ट्विटर जैसे मैं बाकी अफकोर्स लाइक एवरी वन डज आई वॉज इज ब्राउजिंग ट्विटर एंड अफकोर्स गैरी नेवल हैड टू कम ऑन माई टाइम मेरे आंखों के सामने आया एंड गैरी नेवल ने एक स्टेटमेंट दी थी जब उससे पूछा गया था दैट हु डू यू थिंक विल एक्चुअली चैलेंज मैनचेस्टर सिटी नेक्स्ट सीजन एंड ही सेड लिवरपूल एंड मैनचेस्टर यूनाइटेड आर द मोस्ट लाइकली चैलेंजर्स फॉर मैनचेस्टर सिटी उसको नहीं लगता आसनल एंड चेल्सी विल चैलेंज फॉर द टाइटल नेक्स्ट सीजन अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी नाउ ऑफकोर्स मेरा आसनल बायस मेरी हैट मेरे आसनल चश्मे जब मैंने ये चीज पढ़ी अफकोर्स द होल थिंग यू नो लाइक

आज इनफैक्ट पिछले एक दो दिन से सोच रहा हूं वॉट गैरी नेवल इज सिंग इज नॉट कम्प्लीटली रॉन्ग ऑफकोर्स कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा सा आसन को अंडर एस्टिमेट किया है बट व्हाट ही सिंग इज नॉट कम्पलीटली रॉन्ग देखो लेवपुल के बारे में हम किसी और वीडियो में या लाइव में बात करेंगे माना से निधि भाई के साथ बट इस YouTube वीडियो के टाइटल से आपको पता लग गया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रहा करूं आई थिंक मैनचेस्टर यूनाइटेड are in a very good position when it comes to challenging for the title as well. And I am agreeing with Gary नैवल and ये मैंने कभी नहीं सोचा था I think Gary नवल ने एक बहुत सही बात इसलिए की है ऑल उसने एक्सप्लेनेशन नहीं दी उसका ओपिनियन ही था बट अगर आप जितना इसके बारे में सोचो यूनाइटेड एक चैलेंजिंग पोजिशन से ज्यादा दूर नहीं है इस सीजन भी आ, काफी डिफिकल्टीज के बाद एक जब ऑफ द फील्ड इश्यूज एंड ड्रामे के बाद इंजरीज के बाद यूनाइटेड फिर भी टॉप फोर की हंट में काफी टाइम तक थी एक पॉइंट पे दे वर एक्चुअली बिहाइंड और और समथिंग समथिंग बट हैड लाइक वन गेम इन हैंड तभी यूनाइटेड के तब मर्मर्स चलने शुरू हो गए थे मिड सीजन में दैट आर यूनाइटेड इन अ टाइटल रेस दिस सीजन एंड इस सीजन मुझे नहीं लगा था होंगे बट इस सीजन मुझे लगता है एक काफी इंपॉर्टेंट लेसन मिला है मैनचेस्टर यूनाइटेड को ट मैंचेस्टर यूनाइटेड ने इस सीजन को एक चैंपियंस लीग सीजन की तरह खेला है वेर दे हैव प्लेड अ गेम इन एवरी थ्री डेज क्वालिटी ऑफ अपोजिशन कभी हाई थी कभी लो थी बट बहुत ज्यादा ग्रैंड था बहुत हेक्टिक स्केड्यूल था यूनाइटेड के लिए एंड येस yes, उन्होंने कुछ रोटेशन में इशूज थे स्क्वाड डेप्थ इशूज थे बट दिस स्कॉड इज ऑल्सो नाउ रेडी फॉर द नेक्स्ट सीजन जहां पे उनको चैंपियंस लीग प्रीमियर लीग एफ ए कप कैबा कप हर कॉम्पिटिशन में कम्पीट करना है फॉर देम दिस इज नॉट अ न्यू चैलेंज एनी मोर क्वालिटी ऑफ ऑपोजिशन हाई होगी गई ये लीग में हाई होती है बट आई थिंक दे आर गोइंग टू बी मच बेटर इट कम्स टू जस्ट फेसिंग द सीजन विद अ लॉट मोर रेजिलस इस सीजन आसनल का कलेप्स क्यों हुआ है इंजरीज ऑफकोर्स सलीबा की इंजरी टोमियासो की इंजरी बट आई ऑल्सो थिंक मेंटल एंड फिजिकल फटीक बहुत हुआ आर्सनल को एंड आई थिंक यूनाइटेड ने उसको बहुत बेटर तरीके से हैंडल किया है यूनाइटेड हैव प्लेड मोर गेम्स देन आसनल आई थिंक अराउंड सिक्सटी समथिंग गेम्स लिए यूनाइटेड ने दिस सीजन आई थिंक उनके प्लेयर्स को एक आदत हो गई है किस तरह की फिजिकल डिमांड्स हैं एक काफ़ी डिमांडिंग सीजन के लिए और इस सीज़न में तो वर्ल्ड कप भी था जिसमें यूनाइटेड के इतने ज़्यादा प्लेयर्स गए थे खेलने के लिए तो मेरा बेसिक पॉइंट यही बनता है दैट यूनाइट नेक्स्ट सीजन के लिए बेटर प्रिपेयर है क्योंकि जब नेक्स्ट सीजन पे फिर से ये फिजिकल डिमांड्स पड़ेंगी दोनों आसल एंड यूनाइटेड पे जो इस सीजन यूनाइटेड ने गलतियां करी हैं रिगार्ड्स टू रोटेशन रिगार्ड्स टू स्क्वाड डेप्थ आई थिंक आसल कैन मेक दोज मिस्टेक्स नेक्स्ट सीजन एंड आई थिंक यूनाइटेड इन मिस्टेक्स से सीख के नेक्स्ट सीजन के लिए बहुत बेटर प्रिपेयर होगी क्योंकि अगर यूनाइटेड को मान लो साठ गेम दोबारा खेलनी पड़ गई नेक्स्ट सीजन यूनाइटेड कैन प्ले बट मान लो आसन यूनाइटेड की तरह तीन कॉम्पिटिशन्स में होगी मुझे उतना ज्यादा भरोसा नहीं है दैट आसन कैन हैंडल द डिमांड्स ऑफ द प्रीमियर लीग एंड द चैंपियंस लीग एंड कप एंड द काराबा कप मच बेटर दैन मैनचेस्टर यूनाइटेड अफकोर्स ये सारा कंजेक्चर है एंड इस सब चीज़ों पर एक बढ़िया एक जो बहुत बड़ी फैक्टर आने वाला है विच इज़ यूनाइटेड ओनरशिप एंड यूनाइटेड स्क्वाड ये तो इस सीजन क्लियर हो गया कि यूनाइटेड को डेप्थ के इशूज थे जब उनके दोनों स्टार्टिंग सेंटर इंजर्ड हो गए थे इट इवेंचुअली केम डाउन टू एंड मैगवायर मैगवायर जब Maguire नहीं चला तो आपको लूक लेफ्ट बैक से सेंटर बैक खिलाना पड़ा आपको डालो को लेफ्ट बैक डालना पड़ा एंड वैन बिस्क को राइट right बैक डालना पड़ा तो काफी सारी शिफ्टिंग वगैरह हो गई थी तो जो डेप्थ इशू है यूनाइटेड को सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है विच मीन्स यू विल नीड योर बैकअप्स फॉर एरिक

एंड यूनाइटेड डेफिनेटली हैव द फाइनेंशियल केपेबिलिटीज इस सारे मूव पुल ऑफ करने के लिए अगर मेसन माउंट आ जाता हैरी केन आ जाता है एंड ये जो हम यूनाइटेड को अक्यूज करते थे पिछले सीजन तक दैट यूनाइटेड लीव इट टू लेट इन द विडो एंड जैसे एंटनी को आप पहले सस्ते में ले सकते थे अपने विंडो के एंड तक वेट किया और आपने सेम ही पैसा दे दिया जो वो आर आस्किंग फॉर ये यूनाइटेड आई थिंक जो रूमर्स आ रहे हैं जितना शोर शराबा हो रहा है it looks like they might actually conclude a lot of their business early in the summer which i think is a huge deal for them to wohi hai agar united ka squad um acche se settle ho jata hai depth aa jati hai they will definitely be in a better position to challenge for the title than arsenal jo pehli baar i think इस सीजन का हमने देख लिया फिजिकल डिमांड से हम कोप नहीं कर पाए हमने सारे कंपटीशन एग्जिट कर लिए हम वंस वीक के बाद भी टाइटल नहीं जीत पाए तो जब आप सोचो कि अगले सीजन आपको जब ट्रॉफी जीतने का प्रेशर आपको दो या तीन कॉम्पिटिशन में बहुत डीप तक जाना है हम कैसे कोप करेंगे आई थिंक यूनाइटेड के पास प्रैक्टिस है दे आर यूज टू दिस एंड दे मैनेज दिसकोर्स जो मैं बोल रहा हूँ इट माइट जस्ट नॉट सीजन इतने अनप्रिडिक्टेबल होते हैं नो बडी प्रडिक्टेड आसन टू फिनिश सीजन सेकेंड एंड हम सेकेंड आ गए नो um, बडी Expects Arsenal to challenge like Gary Neville. Expect karra, Arsenal challenge. Karra. Maybe we can challenge again. So technically anything can happen. But my point of view is that United are in a great position to challenge for the title. What do you think? Let me know in the comments and thank you so much for watching this video. Yaar. Uh, like the video if you haven't and subscribe if you're new. Much love to you. See you all. Bye-bye.